हेलो एंड वेलकम बैक आई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के ये वाले ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिकॉज आज आपको दर्शन होने वाला है रणछोड़ राय जी के, मतलब कि श्री कृष्ण के। सो काफ़ी टाइम से हमको एक जगह जाने का प्लानिंग था बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से हमने प्लानिंग किया था बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सो हमको जाना था तो सुबह जल्दी जाना था, मतलब कि करीबन हमको सुबह 7 बजे निकल जाना था, बट एज़ यूजल वीकेंड है तो मतलब नहीं उठ पाए जल्दी। सो अभी हाल फिलहाल वक्त हो रहा है 8 बज रहे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यस गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस तरह के अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स देखने को मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बताने की कोशिश करूँ। सो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट वो भी करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सो चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये जर्नी। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस गाड़ी रेडी है, सो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं डाकोर। गाइज गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम चल रहे पैदल मंदिर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, बस नज़दीक ही है। सो अभी हम जा रहे हैं पैदल मंदिर की तरफ, बस हम पहुंचने वाले हैं। सामने जो आपको दिख रहा है वो है टेंपल, बस हम मंदिर के एकदम करीब पहुंचने ही वाले हैं। और अभी वक्त कुछ हो रहा है, मतलब 10 बजने वाले है। यही कुछ प्रसाद की दुकान है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। ये है मंदिर का प्रवेश मार्ग, सो जाते हैं हम मंदिर की तरफ। यही सारी कुछ रेलिंग्स लगी हुई है यहाँ पे। ये है जी मंदिर का मेन गेट। अब जाते हैं मंदिर के अंदर और मैं आपको दर्शन करवाता हूँ रणछोड़ राय जी के। गाइस दर्शन काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, सो अब बारी है मंदिर की प्रदक्षिणा करने की। सो अब हम करेंगे प्रदक्षिणा। गाइस प्रदक्षिणा जस्ट खत्म होने ही वाली है। ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो मंदिर के अंदर। सो हमने भी कुछ प्रसाद ली है मंदिर के अंदर से ही। गाइस दर्शन काफी अच्छे से हो चुके हैं, सो अब हम निकलते हैं मंदिर के बाहर। अरे भाई साहब हमको छोड़कर यहाँ पे आम खा रहे, देख लीजिए। अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ गोमती घाट के।
सो गाइस यहाँ पे काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ भी है और काफ़ी बड़ा बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक कार्स रखी हुई है, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो बस हम पहुँचने ही वाले हैं गोमती घाट पे। ये है गोमती नदी और अब हम पहुँच चुके हैं गोमती नदी पे। और यहाँ पे कुछ वाटर राइड्स भी रखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये है गोमती घाट। गाइज ये है गोमती नदी और यहाँ पे खड़े रहकर के आप डाकोर मंदिर के दर्शन कर सकते हो। वो है डाकोर मंदिर, जैसे कि आप देख रहे हो। अब हम आके चलते हैं और मछलियों को कुछ खाना खिलाते हैं। और सामने आप जो मंदिर देख रहे हो वहाँ पे रणछोड़ राय जी के चरण पादुका रखे हुए हैं। गाइस काफ़ी मज़ा आया। ये जो आप सामने देख रहे हो वो है गोमती नदी और हमने मछलियों को खाना खिला दिया है और अब बारी है हमारे खाना खाने की। सो यहाँ पे गोटे मिलते हैं, मतलब काफ़ी फेमस है गोटे। सो अभी हम वो लेंगे। गाइस ये जो आप दुकान देख रहे हो ये कुछ 100 साल से भी पुरानी दुकान है और आप भीड़ देख ही सकते हो, काफ़ी भीड़ लगी है। सो हमने ऑर्डर दे दिया है और ये जो आप गोटे देख रहे हो सामने ये हमारा ही है। सो ये अंकल जी पैक कर रहे हैं हमारे गोटे। सो गाइस काफ़ी टाइम खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आया और ये है हमारे गोटे। सो अब इसको लेकर चलते थोड़े से बाहर की तरफ। फाइनली हमारे गोटे आ चुके हैं। सो ये है हमारे गोटे और ये है वो दुकान जो मैंने आपको दिखाई। और इसके साथ दही खाने की मज़ा कुछ और है। सो ये हमने दही लिया है गोटे के साथ खाने के लिए। गाइस ये है हमारे गोटे। सो अब हम ये ट्राई करेंगे। गाइस बड़े अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लिया है, गोटे भी काफ़ी अच्छे थे। सो अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ क्योंकि हमको एक और जगह जाना है। सो जल्दी से जाते हैं। और गाइस ये जो आप गाय देख रहे हो ना ये सारे मंदिर की गाय है और ये करीबन 300 गाय है यहाँ पे, मुझे किसी लोकल ने यहाँ पे बताया। फाइनली गाड़ी की तरफ आ चुके हैं और